दोस्तों, अगर आप Redmi Note 9 Pro Max की यूज़र्स हो तो दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको Redmi Note 9 Pro Max के अंदर MIUI 13 के साथ Android 12 का अपडेट कब तक मिलेगा, अगर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी अगर आप Redmi Note 9 Pro Max यूज़ कर रहे हैं तो। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Redmi Note 9 Pro Max के अंदर, आपको पता ही है कि अभी MIUI 12.5 का एनहांस्ड वर्जन चल रहा है, ठीक है। और इसको एक और न्यू अपडेट मिलने वाला है, ठीक है। अभी MIUI 13 का अपडेट नहीं मिलेगा, अभी एक और अपडेट आपको देखने को मिलेगा जिसका वर्जन 12.5.7.0 भी हो सकता है या कोई अदर बिल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपडेट कब तक मिलेगा Redmi Note 9 Pro Max के अंदर? तो दोस्तों, आपको वेट करना होगा 2 मंथ का। जी हाँ, आपको 2 मंथ का वेट करना होगा तो आपको फाइनली अपडेट देखने को मिल जाएगा MIUI 13, ठीक है। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आपको वेट करना होगा करीब करीब 2 मंथ का, तब आपको न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा MIUI 13 का, और हो सकता है एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारी न्यूज़ में ऐसा बताया गया है कि एंड्रॉयड 12 का आपको अपडेट देखने को मिल सकता है Redmi Note 9 Pro Max के अंदर, ठीक है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है मैं तो दोस्तों ज़रूर आपको वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।